जब कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बंगले पर पहुंचे, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। कांग्रेसी पहुंचे शिवराज सिंह के बंगले पर, सौंपी किसान कर्ज माफी की लिस्ट, कहा अब तक 21 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, HMTV लाइव। आइए बात करते हैं दिल्ली की तिलक नगर की, जहां सरेआम उड़ रही है कानून की धज्जियां, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के तिलक नगर में टूटते खुले आम कानूनों के रूल रेगुलेशन। जी हां दोस्तों, यह सीन खुलेआम तिलक नगर के गुरु नानक नगर में देखने को मिल रहा है, जहां इलेक्शन के समय में गलत और गैर कानूनी है। यह सीन गुरु नानक नगर की गली नंबर 3, 4 और 10 के वार्ड संख्या 13S में देखा गया, जिसे वहां की पब्लिक ने भी देखा। इसे देखकर पब्लिक आपस में जरूर सोच रही होगी और क्या विचार कर रही होगी। यह पब्लिक है, यह सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, HMTV लाइव। सागर में सभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि वर्षों तक देश पर जो जुल्म और अत्याचार हुए हैं, जनता उनका हिसाब करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके साथियों ने जो काम समय पर नहीं किया है, उसे पूरा करने में देश की जो ऊर्जा, पैसा और संसाधन लग रहे हैं, उसके गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस वाले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आपराधिक लापरवाही का ही परिणाम है, जो काम आजादी के बाद 25 साल पूरे हो जाने पर होना चाहिए था, उसके लिए हमें 21 सदी तक पूरी शक्ति लगानी पड़ रही है। चुनाव जीतने के बाद हर गरीब को नया मकान बनाकर देने का वादा करके हरे नीले फॉर्मों पर गरीबों से पैसा लेकर जनता को गुमराह किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, HMTV लाइव। और अब बात करते हैं सतना संसदीय क्षेत्र की, जहां शराब न मिलने के कारण मारपीट की गई, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मामला सतना संसदीय क्षेत्र का है। सतना के अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनेक स्थानों पर शराब व पैसे भाजपा प्रत्याशी द्वारा बांटे जा रहे हैं। वहीं पर ना लेने पर कई लोगों के साथ मारपीट की जा रही है। घायल व्यक्ति अमरपाटन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है। लोगों ने बताया कि यहां कई दिनों से शराब व पैसे हरिजन आदिवासी क्षेत्रों में बांटे जा रहे हैं। जो नहीं ले रहा, भाजपा प्रत्याशी उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HMTV लाइव। मान ली दारू उतरवाए और जेब बटवा रहे थे, तुमको वोट मांग रहे थे भाजपा के लिए, तो वोट ना देने के कारण भाजपा को कांग्रेस को बोल दिए, तो इस कारण से हमारे साथ 10-20 लोग और हमारे भाइयों के साथ मारपीट किए। और अब बात करते हैं कांग्रेस की सबसे कम उम्र की स्टार प्रचारक विश्व विदुषी साधना जी की, जो भोपाल में सभाओं को संबोधित कर रही है, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मात्र 2.5 वर्ष की उम्र से लेकर आज तक पिछले लगभग 23 वर्षों में हजार जनसभाएं और रैलियों को संबोधित कर चुकी है कांग्रेस की सबसे कम उम्र की प्रथम फायर ब्रांड राष्ट्रीय प्रचारक विश्व विदुषी लोधी साधना भारती जी ने भोपाल में कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सांप्रदायिकवादियों और आतंकवाद के आरोपियों का अड्डा बन चुकी है। भाजपा ने भोपाल से आतंकवाद के आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी नेत्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अशोक चक्र से सम्मानित मुंबई के आतंकी हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे को देशद्रोही बताया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने केवल शहीद हेमंत करकरे का ही अपमान नहीं किया, बल्कि अशोक चक्र का भी अपमान किया है। बीजेपी नेता और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद से लड़ते हुए शहीद हुए पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का अपमान किया है। राष्ट्रवादी की दुहाई देने वाली भाजपा अपने नेताओं से शहीद का अपमान करा रही है। बीजेपी का राष्ट्रवाद नकली राष्ट्रवाद है। भाजपा का असली चेहरा देश और भोपाल की जनता के सामने आ रहा है। इस बार भोपाल की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी और राजा दिग्विजय सिंह को भारी बहुमत से विजय बनाएगी। इस बार देश की जनता केंद्र में कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HMTV लाइव।